वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप हम आ चुके हैं एक बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा की दुकान पर, जहां पर जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है और यहां पर इतना अच्छा लिट्टी बनाया जाता है। लोगों की काफ़ी देर से भीड़ लगी हुई थी, तो हम इंतज़ार कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। दुकानदार से कुछ बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं, इनका आधे घंटे में इतना जो बनाया है इतना जो है सेलिंग हो जाती है आराम से। लिट्टी चोखा, आपका दुकान जो है काफ़ी फेमस है लिट्टी चोखा के मामले में, तो हम कई बार हमेशा आते हैं आपके दुकान में खाने के लिए, तो आप बताइए कि जो है क्या डालते हैं इसमें, क्या यूनिक है जो कि बहुत अच्छा लगता है, जो पब्लिक प्यार देती है आपको, कि कैसे बनाते हैं? इसमें अदरक, लहसुन, मिर्चा, धनिया, अजवाइन, नमक। आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जो है लिट्टी चोखा बहुत ही बेटर तरीके से बनाया जाता है और यहाँ पर जो है जो भी कस्टमर है लाइन लगी रहती है यहाँ पर हमेशा लिट्टी खाने के लिए, और इनका जो है बहुत ही फेमस लिट्टी है। मैंने बहुत जगह खाया हुआ है, आजमगढ़ यहाँ तक सुल्तानपुर और हर क्षेत्र में खाया हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी लिट्टी कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है जितना अच्छा यहाँ पर मिलता है। और भाई साहब, अपना आप लोकेशन बता दीजिए, जो यहाँ पर आपकी दुकान है अपने दुकान की आप लोकेशन बता दीजिए, जो कि जो हमारे व्यूअर हैं जो देख रहे हैं वीडियो वो आपके पास इजीली आ पाएँ। रोडवेज रॉयल पैराडाइज के सामने। और एड्रेस बताइए। जौनपुर सागर है। तो ये इनका लिट्टी चोखे का दुकान जो है, ये आप सागन सिटी आते हैं, सागन सिटी तो नियर बाई ये बगल में बस स्टैंड है और बगल में जो है रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। इनका लिट्टी जो है किस प्रकार से बनता है और ये देखिए बना रहे हैं, थोड़ा आप बनाते हुए देखिए। चलिए इनसे बात करते हैं, अंकल जी से। अंकल जी आप बताइए, जो है लिट्टी आप कब से खा रहे हैं इनकी दुकान पर? मैं तो सर जी आज ही खा रहा हूँ। आज ही खा रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट टाइम। तो टेस्ट कैसा लग रहा है? ठीक है ही है सर जी। ठीक, टेस्ट बढ़िया। कुछ अलग नहीं लग रहा? अलग जैसे और जगह खाए होंगे वहाँ अलग नहीं लग रहा सर? मैं पहली बार खा रहा हूँ। मतलब वो पहली बार आप खा रहे हैं? तो देखिए, इनके पास इतनी भीड़ होती है कि जो भी इनसे बात भी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। और ये किस प्रकार से इनका चोखा होता है, चोखा दिखा दीजिए थोड़ा, वहाँ से चोखा दिखा दीजिएगा। देखिए कितना बेहतरीन चोखा बनाया है, और ये लिट्टी के साथ जो है प्याज देते हैं, और ये जो है चटनी है, बहुत ही बेहतरीन चटनी बनाते हैं। और इनका जो है इतना लिट्टी बनाया है, ये करीब करीब आधे घंटे में पूरा का पूरा इनका सेल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा दुकान इनकी चलती है और आप यहां पर इजीली ही आ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है यहां का लोकेशन डाल दूंगा, आप लोग इजीली ही दुकान पर आ सकते हैं। आप बताइए जो है दुकान कब कितने बजे आप खोल देते हैं डेली? हम 7:30 बजे लग जाते हैं। 7:30-7:45 तक लग जाता है। अच्छा, 7:30-8 बजे तक। और शाम को कितना टाइम तक खुला रहता है? 10 बजे तक। लोकेशन बताइए। रोडवेज जयसवाल कटरा के सामने, ठीक ठेला वहाँ लगता है। ये देखिए लोकेशन बता दिए हैं, और इनका जो है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस दुकान है, और आप यहाँ पर एक बार आइए, आप उंगली चाटते रह जाएंगे, इतना इनका अच्छा, इतना ब्यूटीफुल, इतना। हम करीब करीब खुद ही 3 साल से यहाँ पर लिट्टी चोखा खाते आ रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा टेस्ट इनका अच्छा लगता है। और हमारा घर काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन हम जब भी आते हैं यहाँ पर बिना लिट्टी चोखा खाए इनका जाते नहीं हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक तरीके से इनका लिट्टी चोखा बनता है। और जो है अभी लिट्टी चोखा में आप क्या क्या डालते हैं, यूनिक तरीके से कैसे बनाते हैं, आप थोड़ा जनता को बताइए। आप इसमें हम अजवाइन, अदरक, लहसुन, मिर्चा सब डालते हैं। अगर टाइम से हरा लहसुन मिल जाता है तो भी डाल देते हैं। तो लिट्टी इनका जो है लिट्टी काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने देख लिया। और आपको कभी अगर लिट्टी खाने के शौकीन हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं, और जो है बहुत ही बेहतरीन लिट्टी बनाते हैं ये। तो चलिए भाई साहब से पूछते हैं कुछ, उनको जो है लिट्टी चोखा के बारे में।
साहब आप बताइए, आप जो है लिट्टी कब से खा रहे हैं इनके यहाँ? मैं तो यही पहली बार आया हूँ खाने। अच्छा, आप पहली बार आए। तो ये रेलवे स्टेशन के बगल में है, नियर बाई बस स्टैंड है, तो यहाँ पर जो है कुछ भाई हमें मिल रहे हैं जो पहली बार आए हैं। यहाँ पर आते जाते लोग, यहाँ पर कुछ लोग जो है पहली बार भी आते हैं, बाकी इनका ग्राहक जो है, इनके ग्राहक जो हैं फिक्स हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है। और चलिए हम इनका जो है, हम खुद लिट्टी चोखा खाते हैं और थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, और इसके बाद बताएंगे कि इनका टेस्ट जो है यहाँ पर किस प्रकार का टेस्ट है, इनके लिट्टी का टेस्ट। तो हमारा भी प्लेट लगा दीजिए, एक एक लगाइएगा, खाना खा के आ रहे हैं, एक एक लगा दें। तो अभी इनका जो है हम लिट्टी चोखा जो है टेस्ट करने वाले हैं, और देखते हैं टेस्ट कैसा है। भाई वाह, बहुत बढ़िया, नंबर वन लिट्टी है। इतना बढ़िया लिट्टी आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है तो आप एक बार ज़रूर आएँ इस दुकान पर लिट्टी खाने के लिए। और प्याज, और ये देखिए इनका जो है कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है ये लिट्टी चोखा देखने में, कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है। खाया और काफ़ी ही बहुत ही अच्छा स्वाद लगा इनका। और ये जो है आपके पास नियर बाई होटल है, ये रॉयल पैराडाइज, इसके बगल में यहाँ पर लिट्टी चोखे की दुकान है, और बगल में जो है ये बस स्टैंड है, और ये आप देख सकते हैं बगल में ही बस स्टैंड है, और ये जो है बगल में ही रेलवे क्रॉसिंग है, आप देख सकते हैं। और बगल में इनकी दुकान है, और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इनका टेस्ट अच्छा लगता है। और हम कई बार वर्षों से, 2-3 सालों से लगातार खाते आ रहे हैं इनका लिट्टी चोखा, काफ़ी बेहद, काफ़ी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितने, इनका आधे घंटे में इतना जो बनाया है, इतना जो है सेलिंग हो जाती है आराम से। अपने आप दुकान का नाम बता दीजिए, दुकान आपका कौन सा नाम है? कन्हैया जायसवाल से। संजय जायसवाल, कन्हैया जायसवाल। कन्हैया जायसवाल, तो दुकान का नाम रखा है कि नहीं रखा? नहीं, दुकान का नाम नहीं रखा है, बाटी चौका का बस यही अस्थाई है। अभी कुछ नाम रखोगे आगे चल के? जैसे यही रहेगा, कन्हैया जायसवाल भौरी वाले बस। अच्छा, ठीक है। ये अभी तक जो है बहुत दिन से लिट्टी चोखा बना रहे हैं, बट इन्होंने अपने शॉप का जो है नाम नहीं रखा हुआ है, और बता रहे हैं कि ये कन्हैया जायसवाल के नाम से इनका दुकान है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है अपने दुकान का नाम अब रख देंगे कन्हैया जायसवाल के नाम से, कन्हैया जायसवाल लिट्टी चोखा। ये बेसन जो है यही आप लिट्टी में डालते हैं? अच्छा, ये चना का सत्तू, इसमें क्या क्या आप डालते हैं सत्तू में? अदरक, लहसुन, मिर्चा, धनिया, अजवाइन। अच्छा, अजवाइन। और ये देखिए, अच्छा, प्याज और प्याज। और ये देखिए इनका जो है कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है ये लिट्टी चोखा देखने में, कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है। और इनकी ये कढ़ाई है, इसी में जो है लिट्टी को निकालते हैं, लिट्टी बोले तो बाटी भी बोल सकते हैं आप। और इसके साथ ये देते हैं हरी मिर्च, और इसके साथ जो है देते हैं ये चटनी जो है, चटनी ये अचार है, और ये ग्रीन चटनी है, और यहाँ पर आपको देंगे प्याज, और प्याज के साथ साथ आप चोखा, बहुत बेहतरीन चोखा पा सकते हैं। थोड़ा दिखाइए इसको, दिखाइए थोड़ा चोखा। और ये देखिए कितना अच्छा चोखा बना है, देखिए कितना अच्छा, इसको देख के ही मुंह में आदमी के पानी आ जाए, इतना अच्छा चोखा बनाते हैं इनका, बहुत ही फेमस दुकान है। और 23 साल से, अच्छा, दुकान इनकी जो है बता रहे हैं कि ये दुकान इनकी जो है 23 साल पहले से दुकान खुली हुई है, और ये कन्हैया जायसवाल लिट्टी चोखा के नाम से अभी नाम तो नहीं पड़ा हुआ है, बट जल्दी ही ये नाम डाल देंगे इस दुकान का। और आप लोग को कभी टाइम मिले तो यहाँ आप जो लिट्टी चोखा के शौकीन हैं, जो बाटी खाने के शौकीन हैं, वो कभी ना कभी टाइम निकाल के आप लोग अवश्य आइए। और देखिए इनका जो है कम से कम 1 से 2 बोरी आटा जो है डेली निकल जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी दुकान है, लेकिन इनका जो बहुत फेमस दुकान है, यहाँ पर हम वर्षों से लिट्टी खाते आ रहे हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, थैंक यू।